सुप्रभात बच्चों, पिछले क्लास में हमने सातवां और आठवां प्रश्न हल किया था। अब हम प्रश्न क्रमांक 9 हल करेंगे। राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है? राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। देखिए, मानना कि राहुल राहुल की वर्तमान आयु 5x। राहुल की वर्तमान आयु 5x और हारून की वर्तमान आयु 7x। राहुल की वर्तमान आयु मानिए 5x और हारून की वर्तमान आयु 7x। अब वो प्रश्न कह रहा है 4 वर्ष बाद दोनों की आयु क्रमशः। अब देखो, 4 वर्ष बाद चार वर्ष बाद दोनों की आयु क्रमशः 5x, तो 4 वर्ष बाद हो गई 5x+4 और हारून की है 7x, तो तथा हारून की आयु हो गई 7x+4। बाद में पूछा ना 4 वर्ष बाद, तो 5x+4 कर दिया, 7x+4 वर्ष होगी। 4 वर्ष बाद ये आयु होगी। चार वर्ष बाद दोनों की आयु हुई है 5x+4 तथा 7x+4। अब प्रश्न अनुसार दोनों की आयु का योग, दोनों की आयु का योग करेंगे। देखिए, 5x+4+7x+4 बराबर, आयु का योग कह रहा है 56 वर्ष।
बराबर 56। अब समीकरण बन गया। देखिए 5x + 4 + 7x + 4 = 56। 5x और 7x को जोड़ा, 7 × 5 = 12x, 12x + 4 + 4 = 8, 8 = 56। एक्स एक्स को जोड़ लिया मैंने, 7x और 5x हो गए 12x, और 4 और 4 = 8, 12x + 8 = 56। अब बाएं पक्ष में अपने 12x + 8 और दाएं पक्ष में है 56। अब 12x को बाएं पक्ष में ही रखना है, 12x = 56 है। अब ये प्लस 8, मैं पक्षांतरण कर रही हूं, प्लस 8 को दाएं पक्ष में ले जा रही हूं तो माइनस के 8 हो गए। बारह एक्स बराबर 56 में से 8 घटाएंगे, 16 में से 8 गए 8 और 4 48। 56 में से 8 घटाया हुए 48, 12x = 48। अब 12x गुणे में है और गुणा इधर आएगा भाग में, 12 का भाग 48 में, 12 × 24 = 36 × 48 = 4। ये आया। अब देखिए राहुल की वर्तमान आयु 5x = 5 और x का मान है अपना 4, 5 × 4 5 × 20 वर्ष। राहुल की वर्तमान आयु ये है 20 वर्ष और हारून की वर्तमान आयु 20 वर्ष = 20 बराबर। अब हारून की है अपनी 7x = 7x = 7 × x का मान आया 4, तो 7 × 28 28 वर्ष। राहुल की वर्तमान आयु होगी 20 वर्ष और हारून की वर्तमान आयु होगी 28 वर्ष। प्रश्न 10 है, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है?
मानना कि कक्षा में बालकों की संख्या बराबर 7x, बालकों की संख्या है 7x, माननीय बालिकाओं की संख्या बराबर 5x, बालकों की संख्या 7x और बालिकाओं की संख्या 5x, बालकों की संख्या बालिकाओं बालिकाओं की संख्या से आठ अधिक है। बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से आठ अधिक है। अब देखिए, बालकों की संख्या थी अपने 7x बराबर, बालिकाओं की संख्या थी 5x, बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, प्लस 8 कर दो, 7x बराबर 5x प्लस 8, ये अपना समीकरण बन गया। अब देखिए, 7x बराबर 5x, 5x दाएं पक्ष में है, इसको मैं बाएं पक्ष में लाऊंगी, इसके पास बिठाऊंगी 7x। अब यहाँ कोई निशान नहीं है तो प्लस का निशान है, प्लस 5x है, और इस पक्ष में आएगा बाएं पक्ष में तो माइनस के 5x, प्लस का हो गया माइनस के 5x बराबर 8, 7x माइनस 5x बराबर 8। अब 7x में से 5x घटाओ तो बच्चा 2x बराबर 8। अब यहाँ 2 गुणे में है, गुणे को ले जाओ भाग में, 8/2, 2 × 2, 4 × 8 बराबर 4, x बराबर 4। अब देखिए, बालकों की संख्या थी 7x बराबर 7 × 4,
चौक 28, बालकों की संख्या आई है 28 और बालिकाओं की संख्या 5x, फिर x का मान आया 4, 5 × 4, 5 × 20, बालकों की संख्या आई है 28, बालिका की संख्या आई है 20। अब कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछी है, कुल विद्यार्थी कितने थे, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 28 + 20 = 48। बालकों की संख्या आई है 28, बालिकाओं की संख्या आई है 20 और कुल विद्यार्थी पूछा, तो बालकों और बालिकाओं को जोड़ेंगे 28 + 20 = 48, कुल विद्यार्थी आ गए 48। आज हमने दो प्रश्न हल किए हैं, नम्मा और दसवां। इन्हीं प्रश्नों को आपको मिला करके गृह कार्य में करना है। आज इतना ही करेंगे, धन्यवाद।